हेलो गाइस, आ चुके हम एक और नई वीडियो के साथ। सो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज ये वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई सबको पता है क्या सीन चल रहा है। भाई मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं एक मेरे खुद की जर्नी की वीडियो डालूं, क्योंकि सभी लोगों को जानना था। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं मेरी पूरी जर्नी कवर अप करने वाला हूँ, जो मैंने पबजी लाइट में मैं कैसे आया और यहाँ तक। बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम पे, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए। सो जो कुछ मेन क्वेश्चंस थे वो हम इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं। दो नाम पुलिस और दाऊद, हम दोनों की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी गेमिंग के चक्कर, गेमिंग में। सो मैंने 10th क्रॉस की थी और दाऊद ग्रेजुएशन चला था, तो तब हमें एक गेम मिला था जिसका नाम था फ्री फायर। हमने बहुत खेला, मतलब हम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे, बस हमारा एक ही मकसद था कि उतरो मारो और भाई एंटरटेन हो। हम बहुत ज़्यादा खेलते थे, हमारे खेलने के साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी हमने जोड़ लिया था, जैसे मामा हो गए, भाई वगैरह, कजन से, हम बहुत खेलते थे, मज़ा आता था। सो उस टाइम हम मेन हम दो ही थे, मैं और दाऊद, हम फ्री फायर खेलते थे। फिर कुछ दिनों के बाद भाई वहाँ मज़ा आना कम हो गया और इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं मिले, तो फिर एक नया गेम ट्रेंड में आया, उसके ग्राफिक्स बहुत तगड़े थे, जो कि था पबजी मोबाइल। सो हमने पबजी मोबाइल स्टार्ट किया, तब हम मैं दाऊद और घातक हम तीन है ना पबजी मोबाइल खेलते थे, और पबजी मोबाइल में बहुत मज़ा आता था। मतलब हमारा एक ही मकसद था कि उतरो मारो, मतलब कोई प्लस माइनस का स्टार्टिंग तो हमें इतना कुछ बिल्कुल प्रेशर नहीं था। हम बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत मारते थे, मतलब जैसा जैसा समझ सकते हो, तो हम बहुत अच्छा एंटरटेन करते थे एक दूसरे को। भाई जो जैसी सिचुएशन में मरता हम उसका उसी सिचुएशन में उसका मतलब मजाक बनाते और एक दूसरे को भाई फुल मस्ती में खेलते थे। तो बहुत पता नहीं लगा कि कब सीजन दो से स्टार्ट किया, उस टाइम सीजन होता पता नहीं लगा कि कब सीजन दो से सीजन पाँच छः कवर अप हो गया, बिल्कुल नहीं। सो उस टाइम बहुत मजा आता। फिर एक बार कुछ हुआ जिससे घातक ने पबजी मोबाइल छोड़ दिया, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर घातक ने पबजी लाइट देखा। तो पबजी लाइट में घातक का हमें बताया घातक ने कि पबजी लाइट ऐसे कुछ करके है, तो इसमें आ जाओ। हमने कहा कि क्या फ़र्क है, पबजी मोबाइल अच्छा है तो पबजी मोबाइल ही खेलते हैं, पबजी लाइट क्यों खेलें, तो ये अच्छा है, हम ये खेलते हैं ना, हमने उनको फोर्स किया आने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने गोड प्रवीण वाईटी, एक यूट्यूबर जिसको उस टाइम मतलब बहुत हाइप थी उस टाइम भैया के पास, सो वो दिखाई हमें, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने समझाया कि एक इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, तो पबजी लाइट में गेम के साथ साथ फन के साथ साथ आपका चैनल भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके हमें समझाया। तो फिर हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, हमने सोचा कि हाँ ये है। फिर हम आए तो उस टाइम घातक टॉप 20 में चल रहा था, जो पुराने मेंबर्स उन्हें पता होगा एचआर पुलिस करके। सो टॉप 20 में थे घातक भैया दो सीजन तक, तो हमने भी वो देखा, हम भी बोले भी रैंक पुश करते हैं। सो हमने प्रवीण भाई को देख के एक चैनल भी बना लिया था उसी टाइम, द पुलिस गेमिंग वाईटी, और एक हमारा क्लैन बना लिया था द पुलिस गेमिंग वाईटी। और ये जो पुलिस नाम है वो वहीं से आया, जब घातक ने हम नहीं आए थे तब घातक पहले थे, तो घातक भाई ने एचआर पुलिस नाम रखा था, तो वहाँ से जो पुलिस है ना वो हमने वहाँ से वर्ड उठाया एचआर पुलिस। उन्होंने कहा पिता हमने डीएल पुलिस रख लिया, फिर मैंने आरजे पुलिस रख लिया, तो ऐसे करके हमारा पुलिस का धीरे धीरे बढ़ने लगा, हम रैंक पुश करने लगे। सो हमने इजीली टॉप 100 कर लिया था, क्योंकि इतना हार्ड नहीं था उस टाइम। सो हम कॉन्कर टॉप 100 में थे सभी लोग, तो बहुत मज़ा आता था। एक बंदे को हम देखते थे गोल्ड विन वाइटी, और हमने चैनल भी स्टार्ट किया, धीरे धीरे वीडियोज डालने लगे। तो हमारा गेम में एक ही असूल था कि भाई हम मर गए तो कोई गम नहीं और जीत गए तो कोई गर्व नहीं। सो ये सब कॉन्कर रैंक पुशिंग चलते चलते हमें दो बंदे मिले, 80 और टाइगर। सो उस टाइम हमें कॉम्पिटेटिव का कोई सिनेरियो का नहीं पता था, हमें बस इतना पता था कि भाई कॉन्कर टॉप शो एशिया होता है कुछ, और भाई हमें उतरना था, मारना था बस, एक मतलब मजे लेने थे, फुल एंटरटेन करना था, सिर्फ एक पर्पज था एंटरटेन करने, और साथ के साथ यूट्यूब भी देख रहा था मैं, लेकिन इतना फोकस नहीं था, मैं बहुत लेट वीडियो डालता था, तो भाई ये एंटरटेन करता। फिर वो दो बंदे मिले, 80 और टाइगर, तो उन्होंने हमें कम्पिटेटिव का सीन बताया। फिर हमने मैंने दाऊद ने घातक भैया ने 18 टाइगर ने और कुछ बंदे और थे राजा वगैरह, बहुत 4-5 बंदे थे हम। सो हमने मिलके एक क्लैन बनाया 1v4। सो 1v4 जैसे ही हमने बनाया हमने कम्पिटेटिव स्टार्ट किया। हमारे कम्पिटेटिव में भी यही था कि भाई हमें उतरना है मारना है, ताकि बंदों को ये लगे भाई सामने 1v4 है, तो बस सामने 1v4 है, तो हमें जब ऐसा कुछ सीन था कि बस हो जाना चाहिए कि भाई 1v4 से के खिलाफ खेल रहे हैं, तो हमें ऐसा खेला था। और एक नज़र हमारी साइड बाय साइड थी गोड के ऊपर थी, क्योंकि हम उनको देख के स्टार्टिंग में फॉलो करता था, उसके बाद जब घातक भैया ने बताया तो मैं जिलेट में आया, तब तो मैं उनकी लाइव स्ट्रीम्स बहुत देखता था रेगुलर, मतलब जब भी टाइम मिलता था मैं देख लिया करता था, और वो उस टाइम 12-12 घंटे की स्ट्रीम खेलते, तो अच्छा लगता था, उनकी स्ट्रीम में बहुत फॉलो करता था। तो एक वो भी था कि भाई अब कंप्यूटर खेलेंगे तो वो देखने को मिलेंगे हमें, सो बहुत एक्साइटमेंट थी कि उनके सामने खेलेंगे उनके खिलाफ खेलेंगे। सो हमने खेला, बहुत मजा आया, काफी अच्छा चला था। फिर हमारे क्लैन में कोल्डी, लियो, पीकू, ये तीन बंदे और आए, भाई ये तीन बंदे बहुत
मैटर करते हमारे लिए। फिर हम तीनों हम फिर हमारा लाइनअप 24 पूरा हो गया था। फिर हमने एक लाइन में किसी बंदे को नहीं लिया था। सो हमारा 24 बहुत अच्छा चल रहा था। हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते। सो डिस्कॉर्ड पे आप देख सकते हो, अचीवमेंट देख ही लेना अगर आपको देखनी हो तो। हम बहुत टूर्नामेंट जीते। मतलब उस टाइम यही था कि एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे कि भाई हाँ बस मारना है, उतरो और मारो, बस ये चीज था। तो वो ज्यादा क्लैन नहीं चल पाया। कुछ ऐसा सीन हुआ कि हमें 24 छोड़ना पड़ा। जब हम 24 में खेलते थे तो हमारे पास एक बार इनविटेशन आया था प्रवीण भैया की तरफ से कि साथ खेलने के लिए। तो जब हमने 24 छोड़ा तो एक चीज का गम था कि 24 छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो चुकी थी उन बंदों से, बहुत ही ज्यादा। और एक खुशी इस बात की थी कि अब प्रवीण भैया जिसको देख के हमने पबजी राइट स्टार्ट किया, जिनको हम अभी तक फॉलो करते रहे, जिनके खिलाफ खेले, उनके साथ खेलने का मौका मिला था। तो एक साइड थी बहुत सारी खुशी और एक साइड था थोड़ा गम। तो समझ नहीं आता कि खुशी बनाया गम नहीं। तो फिर हमने ज्वाइन कर लिया गोल्ड स्पोर्ट्स, मैंने और दाऊद ने और घातक भाई ने। मैंने गोल्ड स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था बस मस्ती के लिए, उनके साथ के लिए इंटरेस्ट थी। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ये वो करके, और भैया ने उस टाइम हमें बोला था कि आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा प्यार मिलेगा। तो बस हमें भैया के प्यार के लिए हमने गोल्ड स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली थी। हमें बस मचाना था, उस टाइम कोई नाम वाम का कोई सीन था ही नहीं। उसी टाइम हमने यूट्यूब की स्ट्रीमिंग भी साथ के साथ चल रही थी। सो हमने ऐसा कुछ गोल्ड बॉल फिक्स नहीं किया था। तब हमारे बहुत से जो तब इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इंटरेक्ट हुए बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स, तो उन्होंने बोला कि फेस कैम की बहुत सारी डिमांड आने लगी। तब मैंने मेरे यूट्यूब का सबसे पहला टारगेट रखा था, जो कि था कि भाई जैसे ही, पहले तो मैंने 5K रखा था लेकिन उसको एक्सटेंड करके 10K कर दिया था कि जैसे ही 10K होंगे हम फेस कैम करेंगे। तो भाई इतना प्यार मिला गोल्ड स्पॉट से और हमारी ऑडियंस से, भाई 10K बहुत जल्दी हो गए। मैं प्रिपेयर नहीं था सच बताऊं तो बिल्कुल भी फेस कैम के लिए। मैंने वेबकैम ऑर्डर करा था लेकिन वो बहुत डिले चल रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो एकदम से ये सब सीन हुआ, 10K बहुत जल्दी हो गए। फिर मैंने फेस कैम कैसे वैसे ऐसे वैसे उसको कैंसिल किया, इधर उससे मैंने अरेंज किया, फेस कैम स्टार्ट किया। सो बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला सभी बंदों का, अपनी गोड आर्मी का, अपनी ऑडियंस का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद भैया ने हमें बूट कैम्प के लिए बुलाया, टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से। फिर हम गाजियाबाद गए और गाजियाबाद कुछ दिन रहने के बाद फिर एक न्यूज़ मिलती है जिसने सबको शॉक में कर दिया था, स्पेशली पबजी लवर्स को, कि पबजी मोबाइल बैन इन इंडिया। तो ये सीन सुन के भाई वहाँ जो माहौल था बूट कैंप का, वो भाई बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका था। भैया बहुत टेंशन में थे, बहुत मतलब बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। उसने मेरे को अच्छे से याद है, हम अपना सेटअप करे थे और उसी बीच भैया को कॉल आया था। तो भाई वो सब वहीं रुक गया था, सब कुछ वहीं जैसे था बिखरा हुआ वैसे ही। हम डायरेक्ट सोफे बैठ के डिस्कशन करने लगे, बातचीत होने लगी। तो बहुत एक शॉकिंग न्यूज थी। फिर मैंने नॉर्मल स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रीमिंग करते करते फिर मेरे को लगा कि स्ट्रीमिंग ही होनी अभी तो, क्योंकि ऑफिशियल्स तो जा हट चुके हैं, तो स्ट्रीमिंग हम घर से भी कर सकते। तो मैंने मन मना लिया था कि मैं वापस आऊंगा जल्दी। लेकिन उसी एक दो दिन के बाद भैया का बर्थडे भी था, तुषार और भैया का बर्थडे। सो मैंने सोचा कि भैया का बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करके जाना, क्योंकि जो इंस्पिरेशन थी उनके साथ में खेला, और अब मेरे को उनके साथ रहने के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिला था। तो भाई मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला था। सो हमने मन बनाया था कि भैया का बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। सो हमने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट किया, पहले तुषार का किया, बहुत मज़ा आया। फिर भैया के बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल किया, हमने हिसार से दाऊद को बुलाया ताकि पूरी अच्छा से सेलिब्रेट कर सके। हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं वापस आ गया, जिस दिन भैया का बर्थडे था उसी दिन हम वापस आ गए थे सेलिब्रेट करके, और मैंने आके नॉर्मली अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर एक दो दिन के बाद आप में से व्यूअर्स में से कुछ बंदे चैट में लिखते हैं कि अपने गोल्ड के लिए कर दिया। तो मेरे को लगा बस वैसे ही स्कैम कर रहे कि भाई ऑडियंस तो अपनी भाई था ज़्यादा स्कैम करते रहते, तो मेरे को लगा बस मजाक करेंगे। लेकिन जब मैं लॉबी में आके, वो गेम के बीच में न्यूज़ आई थी, तो जैसे लॉबी में आके देखा तो भाई मैं क्लैन के बाहर था। तो मेरे को ऐसे लगा कि भैया मजाक कर रहे, क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भैया बिना बताए ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने वीडियोस देखी, जब स्ट्रीम एंड की तो भैया की वीडियो देखी, तुषार था उस टाइम, तुषार का पूरी वीडियो देखी, तो मैं बहुत शॉक हुआ। मेरे को मतलब ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कैसे, मैं समझ नहीं आया कि क्या रीज़न है क्या वो। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों निकाला गया, रीज़न नहीं पता लगा मेरे को वीडियो देखने के बाद भी। फिर मेरे को लगा कि या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर भैया ये चाहते हैं कि मैं अलग क्लैन में रहूँ। लेकिन फिर एक तो और क्लिप्स देखी तो मैं बोला नहीं चाहता कि क्या हुआ। सो बहुत ख़राब लगा मेरे को, वीडियो जो भी अपलोड हो चुके उस बारे में। जब मैं गोल्ड स्पोर्ट्स से निकाला गया तो मेरे मन में फिर यह आया कि मैं हार कर नहीं निकला, मैं जीत कर निकला हूँ। कि जो अभी मैं कैप पहने हूँ, जो मैं हर स्ट्रीम में कैप पहनता हूँ,
ये मेरे को फ्रेंड भैया ने गिफ्ट दी थी, और इसके साथ साथ एक एक ये कप भी मेरे को भैया ने गिफ्ट दिया था। ये कप और कैप भैया को पबजी लाइट की तरफ से मिली थी, और भैया ने मेरे को एक गिफ्ट दिया था खुश होके। उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े क्लैन से ऑफर मिला मेरे को दाऊद को क्लैन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं कोई क्लैन ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मैं और दाऊद हम खुल के अपना पुराना वाला गेम खेलना चाहते थे जैसा हम पहले खेलते थे, बिल्कुल बुमबाम तबाही वाला, ताकि इजिली प्रेशर में हमें ना खेलना पड़े। इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि हम नया क्लैन बनाएंगे, ताकि अब जिस तरह मेरे को बिना बताए जैसे गॉड क्लैन इनविटेशन आया, मैंने ज्वाइन किया और बिना बताए मेरे को निकाल दिया गया, तो ऐसा ही ये रिपीट ना हो, इससे कोई बड़ी बात ना हो। तो भाई इस डर से भी मैंने, ये भी डर था कि इसलिए मैंने कोई क्लैन ज्वाइन नहीं करा। अब मैंने खुद का क्लैन बनाया है। आज भैया बोल रहे हैं कि क्रेडिट लेने आया था और चला गया। पहली बात तो मैं चला नहीं गया, मेरे को निकाला गया। और बहुत से बंदे ये सवाल पूछे कि आपको क्यों निकाला गया, यही सवाल मेरा भी है कि मेरे को क्यों निकाला गया। सो अगर आपको पता लगे तो प्लीज यार मेरे को भी बताना, क्योंकि यही सवाल मेरा है यार। मेरे को मेरी जगह खुद को रख कर देखो, ये सवाल मेरा कि मेरे को क्यों निकाला गया, तो इस चीज का मैं आंसर और क्या दे सकता हूँ जब मेरे को खुद को ही नहीं पता। अगर आपको पता लगे तो आप बता सकते हो। तो ये पूरा सफर था फ्री फायर से लेके पबजी लाइट तक का, और मेरे खुद के क्लैन बनाने तक का। आई थिंक बड़े बड़े हथियारों को जंग लग गया है, क्योंकि जब मैं किसी और, जब आप किसी और क्लैन के साथ खेलते हो तो आपको उनके हिसाब से खेलना पड़ेगा, तो आपके हाथ बन चुके हैं। सो अब समय आ गया उन बंधे हुए हाथों को खोलने का, और वही पुराना गेम और वही पुराना बूम बम दिखाने का। ये अंत नहीं, शुरुआत है, आ रहे हैं वही पुराने जय वीरू खलबली मचाने। सो इसी बात पे दो लाइन बोलना चाहूंगा, सो ध्यान दीजिएगा। रमका उठ गाबरू कर ओसला, तेल लगा त्यारा ने, दे ललकारा तोड़ छावनी, भूत बना दे सारा ने। जिनके साथ खेलते थे हम उनके खिलाफ खेलना है। सो देखते हैं यार नाम जीतेगा या फिर हौसला। तो खेलते पहले भी थे और खेलते अब भी है। सो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे और आगे भी एंटरटेनमेंट के लिए खेलते रहेंगे, और भाई अपना पुराना रूप तो आई थिंक अब दिखाना पड़ेगा। और हाँ, उनकी किकआउट से एक बात याद आई, किताब पढ़ के ज्ञान ले लिया, अकल दूध बदाम मत है, ठोकर खा के ज्ञान पकड़ जा, या सिख ही बात का मत है। अभी भी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए होंगे, तो भाई जितने भी आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप मेरे, मैं एक Q&A वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपके जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं मैं उनका रिप्लाई जल्दी दे दूंगा। सो आप वहां जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और बस एक सवाल मत पूछना यार, आप समझ सकते हो। अगर आपने लास्ट तक वीडियो तक देखी है तो आप समझ गए मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, उसका मेरे को आंसर चाहिए खुद को। तो बस भाई आज आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो चुकी है अभी, तो अभी के लिए बस इतना ही यार। काफी अच्छा लगा यार आप लोगों से अपना मतलब शेयर करके अपना एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जरूर करना यार जहां तक पॉसिबल हो जरूर शेयर करना, और क्यों नहीं वीडियो जल्दी आने वाले। तो भाई इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखो, दिल से शुक्रिया यार सभी लोगों का इतने प्यार सपोर्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, स्टे हैप्पी, स्टे होम, लव यू गाइज।